दोस्तों 90 के दशक में बॉलीवुड में एक से एक बढ़कर खूबसूरत बलाओं का राज हुआ करता था। कुछ अपने एक्सप्रेशंस के लिए जानी जाती थी, तो कुछ अपनी डांसिंग के लिए, कुछ अपनी सुंदर मुस्कान के लिए, तो कुछ आंखों से ही बहुत कुछ कह जाती थी। 90 के दशक ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुंदर अदाकारा दी है। आज हम जिन नामचीन अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं, उनकी अदा ही कुछ निराली हुआ करती थी। भोलेपन और सादगी से भरपूर उनकी मुस्कान पर्दे पर जलवे बिखेर जाती थी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने अब तक उनका नाम गैस कर लिया होगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं 90s के दशक की मधुबाला की, जिन्हें हम मधु के नाम से जानते हैं। मधु ने अपनी प्रतिभा के बल पर एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। चाहे फूल और कांटे से मुख्य अभिनेत्री के रूप में धमाकेदार एंट्री हो, या छोटी सी आशा गाने में दिखाया गया भोलापन, दर्शकों ने उन्हें सभी रूपों में हाथों हाथ लिया। मधु ने इस बात को साबित किया कि बॉलीवुड में सक्रिय रहने के लिए आपको ग्लैमरस दिखने की जरूरत नहीं, आप अपने नेचुरल लुक से भी दर्शकों का मन जीत सकते हैं। वो एक ऐसी कलाकार हैं जिन्हें अभिनय जगत में उम्र के हर पड़ाव पर सराहा गया। हिंदी फिल्मों के साथ साथ मलयालम और तमिल भाषाओं में भी उनकी पारी सफल रही। एक बाल कलाकार से मुख्य अभिनेत्री बनना और फिर फिल्मों से दूरी बनाने के बाद सह कलाकार के रूप में वापसी, बड़े और छोटे पर्दे पर पहचान बनाने वाली इस अभिनेत्री का कुल मिलाकर करियर दिलचस्प रहा। आइए दोस्तों, उनके सफर पर एक नजर डालें और देखें कि किस तरह मधु ने फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई। साथ ही साथ हम जानेंगे उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में भी। दोस्तों, मधु का जन्म 26 मार्च सन 1972 को चेन्नई में हुआ था। इनका पूरा नाम मधुबाला रघुनाथ है, इनके पिता का नाम रघुनाथ है और इनकी माँ का नाम रेणुका है। मधु के जीवन की दुखद घटना तब हुई जब 13 वर्ष की उम्र में उनकी माँ का देहांत हो गया। मधु की स्कूली पढ़ाई सेंट जोसेफ से हुई है। इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से की है। आपको ये भी बता दे कि मधु बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की भतीजी लगती हैं। मधु ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि हेमा मालिनी उनकी रोल मॉडल रह चुकी हैं। बचपन में ही अभिनय के हुनर को गले लगाने वाली मधु बाल कलाकार के रूप में प्रचलित थी, बेबी मधु के नाम से। बड़े होने पर एक्टिंग के हुनर को और पक्का करने के लिए मधु ने प्रशिक्षण भी लिया। शुरुआती दिनों में किसी फिल्म में मधु को एक छोटा सा रोल भी ऑफर हुआ था, पर उनकी पहली फिल्म से ही उन्हें निकाल दिया गया। ये बात मधु को बहुत बुरी लगी। फिर क्या था, एक काबिल अभिनेत्री ने कुछ बड़ा करने का ठान लिया। उन्होंने अपने हाव भाव, लुक, यहाँ तक कि हिंदी के उच्चारण पर भी काफी काम किया। मधु ने बारीकियां सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी अपीयरेंस पर अच्छा खासा ध्यान दिया। अपने बालों से लेकर कपड़े चुनने का अंदाज सब बदला। छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों के ऊपर मधु ने खास ध्यान दिया। फिर क्या, फिर तो सफलता झक मार कर उनके पीछे आई। किस्मत बड़ी सौगात तब लेकर आई जब सन 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे में उन्हें मुख्य अभिनेत्री का किरदार मिला। इस फिल्म से अजय देवगन को लॉन्च किया जा रहा था। ये कहा जा सकता है कि हिंदी फिल्मों में मुख्य भूमिका में उनकी शुरुआत फिल्म फूल और कांटे से हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने शुरुआत की थी एक मलयालम फिल्म से, जिसका नाम था ओ त्याल पत्तलम। फिल्म फूल और कांटे को जबरदस्त सफलता हासिल हुई और उनकी जोड़ी अजय के साथ दर्शकों के दिल और दिमाग पर छा चुकी थी। इसके बाद उनकी एक और सुपरहिट फिल्म रोजा आई। इस फिल्म का संगीत इसका मुख्य आकर्षण था। गौर करें कि ये फिल्म हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में सुपरहिट रही। इस तरह मधु ने कई सफल फिल्मों में यादगार किरदार किए। आइए एक नजर उनकी कुछ सफल फिल्मों पर डालते हैं। जालसाज, सर उठा के जियो, हफ्ता वसूली, जुल्मो सितम, खोटे सिक्के, उड़ान, शेरे हिंदुस्तान, मेरे सपनों की रानी, यशवंत, उस्तादों के उस्ताद, शोहरत जैसी फिल्में हिंदी में उनकी नामचीन फिल्में रही। उनकी मिस्टर रोमियो, चिल्का कोटडू, जेंटलमैन जैसी तमिल फिल्में भी सफल रही। इन फिल्मों में मधु की एक्टिंग के साथ साथ उनकी नृत्य कला को भी काफी सराहना मिली। जी हाँ, आपको बताते चलें कि मधु एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी हैं। मधु की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी शादी उद्योगपति आनंद शाह से सन 1999 को हुई थी। शादी के बाद उनकी दो बेटियां हुई, जिनका नाम अमिया शाह और किया शाह है।
बता दें कि फिल्म अभिनेत्री जूही चावला रिश्ते में उनकी भाभी हैं। शादी के बाद मधु ने फिल्मी सफर से थोड़ा सा विराम लिया था। सन 2001 से 2008 तक उन्होंने फिल्मी जगत से दूरी बना ली। सन 2008 में फिल्म सोचा ना था से उन्होंने वापसी की थी। मधु ने खुद को बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं रखा। टीवी सीरियल्स जैसे कि आरंभ, देवी, उड़ान में उन्होंने कई पावरफुल किरदार किए हैं। हाल ही में उन्हें कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी में काम करने का मौका मिला है। बता दे कि ये फिल्म जयललिता की बायोपिक है, जिसमें वो MGR की पत्नी की भूमिका में नजर आएंगी। इतने सालों में मधु का लुक भी पहले से काफी बदल गया है। 49 की उम्र होने के बावजूद वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। सोशल मीडिया पर मधु काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी पुरानी और नई तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। मधु थलाइवी फिल्म से दोबारा एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। देखा जाए तो सन 1991 से लेकर अब तक मधु की अभिनय की पारी संतोषजनक रही। उन्हें अपने करियर में एक से बढ़कर एक यादगार रोल्स मिले, दर्शकों का प्यार मिला, चाहे बाल कलाकार के रूप में हो या फिर मुख्य अभिनेत्री के तौर पर या फिर अब सह कलाकार के रूप में। अभिनय जगत में मधु की हमेशा कद्र हुई है। एक इंटरव्यू में मधु ने बताया था कि वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं और फैमिली और वर्क लाइफ के बीच बैलेंस बिठाने की कोशिश करती हैं। जब फिल्मों के ऑफर्स नहीं होते तो वो टीवी पर भी काम किया करती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि फूल और कांटे की अभिनेत्री मधु से जुड़े इन पहलुओं को जानकर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।